टू माई डियर व्यूवर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या फिर 27th को हुआ है तो ये रीडिंग आपकी है। वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे इसमें आपके करियर, फाइनेंस, बिजनेस, ओवरऑल लाइफ, लव लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस न्यू मून की और इस नवरात्र की। ठीक है, इस नवरात्र की एनर्जी और फुल मून की एनर्जी से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रही है, हम ये देखेंगे। बेसिकली हम ऑब्स्टिकल चेक करेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल है जिसे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो और ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो ऑब्स्टिकल देखेंगे हम और गाइडेंस देखेंगे और ब्लेसिंग्स क्या आ रही है हम ये देखेंगे। तो अगर आपका नंबर 9 है या फिर आपके अपनों का नंबर 9 है तो ये रीडिंग ज़रूर आपके लिए है। ओके, सो मैं यही कहूँगी कि ये जो है टैरो या फिर कोई भी विद्या आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताती है कि ये चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपको मौसम विभाग बताता है कि आज बारिश हो सकती है ना। सो वैसे एक पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें जो गाइडेंस मिल रही है उसको ज़रूर अप्लाई करें अपनी लाइफ में, ताकि इस रीडिंग की जो पॉजिटिव आउटकम है या फिर आपके लाइफ के जो पॉजिटिव आउटकम है उसे आप रिसीव कर पाओ। ठीक है, सो लेट्स चेक। ओके, ओवरऑल लाइफ की एनर्जी आपकी ये है। करियर बताएं, डिफाइन करियर। हेल्थ बताएं, डिवाइन। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं डिवाइन? माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? सो नंबर 9 वालों की पर्सनालिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। ऑब्स्टिकल, आउटकम बताएं डिवाइन। ओवरऑल जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, प्लीज गाइड डिवाइन। लव लाइफ के बारे में गाइडेंस है डिवाइन। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओके, नंबर 9 वाले जो लोग हैं ना वो हायर रेल्म्स से कनेक्टेड होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा चैनलिंग होती है, कभी कभी इनको समझ नहीं आती है, लेकिन ठीक है, आपको ऐसा होता होगा सपने में कभी कुछ ऐसा कि आपको लगा कि कोई कुछ बोल के गया आपको और वो चीज़ रियलिटी में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपके साथ कनेक्टेड है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, ऐसा फील होगा आपको। ठीक है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं ऐसे इंसान, और क्योंकि नंबर 9 जो है वो कंप्लीशन का नंबर है तो ऐसे लोग जो हैं जो चीज़ अपने हाथ में लेते हैं उसे कंप्लीट करके ही दम लेते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी होती है। ठीक है, ओके, बहुत डेयरिंग होते हैं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, स्पीड लवर होते हैं, इनको स्पीड बहुत पसंद होता है, एक्शन बहुत पसंद होता है इनको। ठीक है, बहुत जॉली नेचर के भी होते हैं, मस्ती करने वाले होते हैं मस्ती खोर जिसे कहते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे लोग जब बैठे होंगे मुंह सुखा के वहाँ जाके एक ऐसे जोक क्रैक कर देंगे कि सबके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, तो ऐसी एक पर्सनालिटी होती है नंबर 9 की। बहुत इम्पेशेंट भी होते हैं और बहुत एडवेंचरस भी होते हैं नंबर 9 वाले लोग। ओके, बहुत एंथुजियास्टिक, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेजिंग होता है, कहीं ट्रैप्ड हो। ओके, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे होते हैं नंबर 9 के लोग, और जितने स्पोर्ट्समैन हैं आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग जो है नंबर 9 ही हैं उनका। ठीक है, बहुत लोग टी शर्ट भी अपनी नंबर 9 की ही बनवा लेते हैं। ओके, इनके लाइफ में इंजरी ज़रूर होती है, इंजरी कहीं इंटरनल जो दिखती नहीं है। ठीक है, एक्सीडेंट इस तरह का कुछ ना कुछ, कहीं से गिर जाना, कहीं से हड्डी तोड़वा लेना, तो इस तरह की जो चीज़ें रहती है ना वो नंबर 9 के साथ ज़रूर होती है। तो कहीं ना कहीं की एक हड्डी टूटी हुई होगी और वहाँ पे कुछ सर्जरी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। नंबर 9 के लोगों का ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ओके,
इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं लेकिन जब बात करते हैं तो दूसरों को खुश कर देते हैं, ऐसी एनर्जी होती है। लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स इनके ये होते हैं कि ये लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं दूसरों का। ओके, वाव, ब्यूटीफुल। ओके, सो दूसरों का बहुत मजाक उड़ाते हैं जिसके चलते क्या है कि कभी कभी लोगों के साथ इनके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। इनको मजाक उड़ाने के टाइम में समझ में नहीं आता है कि ये कितना बोल रहे हैं, और बोलते बोलते ये बहुत कुछ बोल देते हैं। ठीक है, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। सॉरी, मेरा गला ख़राब है, आई एम रियली वेरी सॉरी। ओवर डोमिनेटिंग भी होते हैं और बहुत इंस्टेंट रिएक्शन होता है इनका। लाइक इनको कुछ बात बुरी लगेगी, बहुत इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं ये। इनके फेस से ही पता चल जाता है कि इनको चीज़ें बुरी लगी है, और अपने फेस के एक्सप्रेशन से ही आपको बता देंगे कि इनको चीज़ें पसंद नहीं आई जो आपने कहा इनको। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर जजमेंटल होते हैं ये लोग, दूसरों को बहुत जज करते हैं, ये ऐसे वो ऐसे ऐसे टाइप के लोग होते हैं। सॉरी, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं हर नंबर्स में, है ना, वैसे ही इनके नंबर्स में भी और आपके नंबर्स में भी कुछ नेगेटिव ट्रेट्स ज़रूर हैं। सो यस, ये थी पर्सनालिटी नंबर 9 वालों की। अब हम बात करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ की एनर्जी क्या है। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और यू नो ये कहीं भी हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है। तो कुछ ऐसा जबकि जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, यू नो, लेकिन डेथ का कार्ड हमेशा रिबर्थ को बताता है। तो ये जो चीज़ें ख़त्म हुई है, ये साइकिल हैं जो कि फिनिश हुआ है, और एक रीबर्थ, जो एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ये भी दिख रहा है कि आपका ये रिबर्थ का प्रोसेस है, क्योंकि हीलिंग आपकी चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या तो हीलिंग चल रही है, और या तो फिर आप इंटेंशनली अपनी हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, और एक रिबर्थ का प्रोसेस आपका है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, करियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो अपने करियर में। या तो आपका ये नया कोई जॉब है या कोई बिजनेस है, या तो आप नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो आप करियर में थोड़े बर्डन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि यू नो सारे काम आपको ही करने पड़ रहे हैं, और आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हैं कि आपको ना बोलना नहीं आता है, लोग आपसे बहुत ईजीली अपना काम करवा लेते हैं, और क्रेडिट भी आपको नहीं मिलता है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपसे काम भी करवाते हैं और आपको क्रेडिट भी नहीं देते हैं। तो ऐसा है कि आप अब बर्डन फील करने लगे हो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपसे नहीं हो पाएगा, या तो आपको ब्रेक चाहिए या फिर आप कुछ और स्टार्ट करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, करियर में। हेल्थ में अगर हम देखें तो मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो, या तो अपने वर्क प्लेस में या तो अपने पर्सनल लाइफ में, जिसके चलते आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। ठीक है, आप जगल कर रहे हो दो जगह, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको फाइनेंस में आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपको, या फिर कुछ ऐसा है जिसमें कि आप जगल कर रहे हो, और यू नो बहुत सारे इल्यूजन्स बहुत सारे दिमाग में आपके बहुत यू नो अलग अलग तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। सो ये मुझे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दिख रहा है कि आप या तो फिर बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हो, बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। सो आपको इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे ये है कि आप यू नो मेडिटेशन ज़रूर करें, ज़रूर से करें, विदाउट स्किप, बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप यू नो इल्यूजन में हैं। ठीक है, सो आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब होती दिख रही है। सो मेडिटेशन ज़रूर करें, कम से कम 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, और यू नो शांत बैठे, अगर नहीं भी आता है आपको कुछ ना करें, ज़रूरत नहीं कुछ करने की, बस शांत एक जगह में बैठे जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 10 मिनट बहुत होते हैं मेडिटेशन के लिए, जिससे कि आपकी जो आपकी जो मेंटल हेल्थ जो ख़राब हो रही है, जो आपको एक पीस नहीं मिल रहा है, वो आपको मिल सके। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है आपके लाइफ में, मुझे दिख रहा है कि पार्टनरशिप में कोई ऑब्स्टिकल है, या तो ये कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके लव लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपको बैलेंस नहीं लग रहा है वहाँ पे। आपको लग रहा है कि आपने बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिला वहाँ पे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि आपने मे बी कोई बिजनेस आपका है जिसमें कि आपने पार्टनरशिप में आपने बिजनेस किया हो, और आपने बहुत एफर्ट लगाए, और आपको जो है अचानक से बिजनेस जो है आपका यू नो पार्टनरशिप से अलग कर दिया गया है, या फिर कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे कि आप
बुरी तरह से आप टूटे हो ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है या फिर आपके प्रोफेशन लाइफ में हो सकता है, जहां आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और वहां से आपको न्याय नहीं मिला है, जो आपको जस्टिस मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है मुझे, बेसिकली मुझे ये आपके लव लाइफ में ही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको लग रहा है कि आपने अपने तरफ से बहुत किया लेकिन आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। ओके, ओवरऑल लाइफ में जो दिख रहा है ना मुझे, ब्लेसिंग्स जो आपकी आ रही है ना, वो एक स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो आप ऐसा दिख रहा है मुझे, बहुत क्रिएटिव होने वाले हो और स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे ऑलरेडी आपकी ओवरऑल लाइफ के सिचुएशन में दिख रही है, ठीक है। एक अवेकनिंग से आप ज़रूर गो थ्रू कर रहे हो ऐसा दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एंशियस लग रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है आपकी ऐसा दिख रही है मुझे इस टाइम, ठीक है। ओके, सो एक स्ट्रेंथ आप में आ रही है, आप स्ट्रांग हो रहे हो अंदर से। इमोशनल हेल्थ जो आपकी है, इमोशनली जो आप बहुत ज़्यादा सोचते थे कभी किसी के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए या सबके लिए जो आप बहुत इमोशनली सोचते थे, वहाँ आप कहीं ना कहीं बैलेंस एक क्रिएट करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। सो एक स्ट्रांग अंदर से, एक स्ट्रांग एक विल पावर, एक यू नो एक्शन लेने का एक जो जज्बा होता है, वो ओवरऑल एनर्जी है आपकी, एक शेर शेरनी की एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो लव लाइफ में अगर हम बात करें तो अगेन बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। आपको लग रहा है कि आपके हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं और आपको कुछ भी चीज़ यू नो नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ कुछ एक्शन आप नहीं ले पा रहे हो, जबकि अपने लाइफ में आप अपने लव लाइफ में आप काम करना चाहते हो, अपने लव लाइफ में आप एफर्ट्स लगाना चाहते हो ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसे दिख रही है मुझे, उनको लगता है कि आप जो है अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगा रहे हो और उनको भी ऐसा लगता है कि उनके यू नो वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी इस रिश्ते में, और यू नो काम ज़रूर वो भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है, या फिर आपके पार्टनर काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको वो दिख नहीं रही चीज़ें कि वो एफर्ट लगा रहे हैं और वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर वो आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको उनके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये इंसान किसी और की तरफ से, किसी और से मूव ऑन करके, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करके इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। तो अगर आप मैरिड लाइफ में के लिए भी देख रहे हैं, अपने कॉन्टैक्ट में भी अगर आप हैं, अपने क्रश के लिए भी अगर आप देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है किसी सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, इनका स्टबर्न नेचर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसको वो पीछे छोड़ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपको एक आपके लिए एक प्रोवाइडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको देने की कोशिश करेंगे इंसान, फ्यूचर की एनर्जी है। सो अभी अगर इंसान नहीं भी एफर्ट लगा रहे हैं तो फ्यूचर की एनर्जी है, फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ एफर्ट ज़रूर लगाएंगे, एक प्रोवाइडर ज़रूर बनेंगे, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हो इस रिश्ते में वो काम ये इंसान करना चाहेंगे आपकी खुशी के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि दोनों को ही ऐसा लगता है कि दोनों इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगा लिए हैं और अब और कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते का भार उठाया है पूरा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते का भार उठाए हैं अभी तक, और दोनों ही कन्फ्यूज़ दिख रहे हो, एंशियस दिख रहे हो, डिप्रेसिव दिख रहे हो, दोनों की एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो इस रिश्ते से ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल मुझे ये दिख रहा है कि सॉरी आउटकम मुझे ये दिख रहा है, एक रिबर्थ का प्रोसेस है, मे बी सब कुछ ख़त्म हो के फिर से रिस्टार्ट होगा। अगर अभी नहीं ख़त्म हुआ है और अभी आप कॉन्टैक्ट में अगर हैं तो यू नो आने वाले टाइम पे जो है ये रिश्ता ख़त्म होगा और ख़त्म होके एक नई एक शुरुआत होगी जो कि एक साइकिल को यू नो कंप्लीट करके एक दूसरा साइकिल स्टार्ट होने को बताता है, ठीक है। सो द टावर की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी कॉन्टैक्ट में हैं उनका एक ब्रेकअप ज़रूर होगा। सो बी वेरी केयरफुल, ओके, बी वेरी केयरफुल अपने पार्टनर से बात करने के टाइम पे, ज़्यादा बात ना करें अगर अभी बात कर रहे हैं आप तो, अगर कॉन्टैक्ट में है तो, और अगर नहीं तो मुझे ये दिख रहा है कि सब कुछ ख़त्म होकर एक रिस्टार्ट ज़रूर होगा और आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे क्योंकि द चैरियट की एनर्जी एक्शन में है, ठीक है। सो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए बहुत चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़े ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। एक एक्शन ज़रूर आप देखोगे उनकी तरफ से, एक्शन में अगर पूरा आपके सामने आकर वो नहीं भी खड़े हुए तो कुछ ना कुछ हिंट ऐसा ज़रूर देंगे वो कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो टेन ऑफ कप्स की है, तो ये जो है एनर्जी
फुलफिलमेंट को बताती है, एक हैप्पीनेस को बताती है। तो यस, ये हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट ज़रूर आपको रिसीव होगी। अभी की एनर्जी में थोड़ी सी डिप्रेसिव दिख रही है आपकी, ठीक है, अपने ऊपर काम ज़रूर करें ऐसा दिख रहा है। तो ये एक बैलेंस को बताती है, ठीक है। जस्टिस भी एक बैलेंस को बताती है। या तो आपने वो एफ़र्ट नहीं लगाए हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, या तो आपके पार्टनर वो एफ़र्ट्स आपके टूवर्ड्स नहीं लगाए हैं जिसके चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूर ज़रूरत है आप दोनों को ही, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। और जो है ना, प्रॉब्लम क्या है, ना बोलना सीखें, ठीक है। आपके लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है, ना बोलना सीखें। जो चीज़ आपको सही नहीं लगती है उसके लिए ना बोलना सीखें, स्टैंड लेना सीखें। ये ऑब्स्टेकल है आपके लाइफ में, लव लाइफ में आप ना नहीं बोलते हो। जो भी चीज़ें आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो आप आँख बंद करके आप करते जा रहे हो, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। किसी के लिए ओवर अवेलेबल नहीं होना है। अगर आप किसी के लिए ओवर अवेलेबल होंगे तो वो सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। उसको लगेगा आप हमेशा फ्री हो, आप जब भी मुँह उठा के जब भी वो आपको बुलाएंगे तो आप रेडी हो जाएंगे उनसे मिलने के लिए, या फिर उनके लिए कुछ करने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो आप ना बोलना सीखें। अगर वो फाइनेंशियल हेल्प आपसे मांगते हैं तो ना बोलना सीखें। अगर वो आपसे कोई ऐसी कुछ डिमांड करते हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए, तो वहाँ ना बोले। ये है आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल, और यही आपको डिवाइन सिखाना चाहते हैं कि आपको ओवर गिविंग, ओवर डूइंग नहीं करना है, ठीक है। ओवर गिवर कॉन्शियसनेस में आपको नहीं रहना है। ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये काम मुझे नहीं करना है, तो वहाँ ना बोलना बहुत ज़रूरी है आपको, और ये आपको सीखना होगा। जब ये आप सीखोगे तभी आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो कटेंगे, ठीक है। सो हम ये देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड माय नंबर 9, प्लीज़ गाइड My dear angels, please guide. One more time, please. Please ignore the background noise. I'm so sorry for that. वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ। मैंने बोला ना अभी आपको कि जहाँ आपको बोलना होता है वहाँ बोले, जहाँ ना बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोले। अभी मैंने यही बोला ना आपको, स्टैंड स्ट्रांग। आपको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और मुझे दिख रहा है कि आप स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। आप टाइम के साथ बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। तो इस नवरात्र की और इस न्यू मून की ब्लेसिंग्स आपको यही रहेगी कि आप बहुत स्ट्रांग होंगे, आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप किसी भी सिचुएशन से नहीं डरेंगे। ऐसी एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। फोकस ऑन योर पर्पस, कोई लाइफ पर्पस आपका है उस पर फोकस करें, और जो भी चीज़ें आपको लगता है आपकी लाइफ में लैकिंग है उसे स्प्रेड करें, ताकि उन चीज़ों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, और जो ऑब्स्टिकल हैं उसको आप ओवरकम कर पाओ इजीली, ठीक है। रियली स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। किसी को खुश करने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना है, अपने अंदर तकलीफ रखे स्माइल नहीं करना है, ठीक है। अगर दिल में दुख है तो है दिल में दुख, और वो आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है, ट्रूथ को बोलना है, सच बोलना है, कोई पर्दा नहीं लगाना है। जहाँ ना की ज़रूरत है वहाँ ना बोलना है। जहाँ अंतर्मन आपका बोल रहा है कि नहीं ये काम मुझे नहीं करना है, ये मुझसे कोई नहीं करवा सकता है फोर्सफुली, तो वहाँ ना बोलना सीखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।